गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास एट। जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नेम है रैशनल नंबर्स, और इसकी जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है वो है 1B। क्वेश्चन नंबर हमने 11th करना है आज। तो 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी के सभी आपने अच्छे से देखना है। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 5/18। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 1/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर नंबर। तो देखो, आपको टू नंबर्स का जो सम है रैशनल नंबर्स का वो गिवन है, और उन टू नंबर्स में से एक नंबर भी आपको गिवन है। तो अदर नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आप इसको टू मेथड से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट कर सकते हो, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 5/18, आउट ऑफ विच फर्स्ट नंबर इज 1/18, देन वी हैव टू फाइंड अदर नंबर। तो अदर नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम में से जो सम है उन टू नंबर्स का, उसमें से माइनस कर देंगे हम फर्स्ट नंबर की वैल्यू को। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमारी 1/8 है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा, 8 और 18। यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद आपको फिर ये देखना है, 9 4 36, 72 इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 72 को हम डिवाइड करेंगे 18 से, 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे 20, माइनस 72 को 8 से डिवाइड करेंगे 9, 9 1 9। अब देखिए, 20 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11/72, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। तो देखो, सम ऑफ टू नंबर्स गिवन था 5/18, वन नंबर इज 1/8, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, 11/72। यदि आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो आप वेरिफिकेशन भी करके देख सकते हो। देखो, फर्स्ट नंबर 1/8 है, प्लस सेकंड नंबर हमारा 72 है। इन दोनों को ऐड करके आप देखिए, एलसीएम 72 आएगा, 72 को 8 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 72 को 72 से डिवाइड करोगे तो 11 ही आएगा। तो 11 और 9 को ऐड कर दोगे 20/72। अब इसको आप कट कीजिए, देखिए 10/36, फिर 2 की टेबल पे कट करेंगे तो 5/18। तो ये देखो, सम ऑफ टू नंबर्स जो हमारा गिवन था 5/18, वही आंसर आ रहा है 5/18। ये वेरिफिकेशन आपको करनी नहीं है, सिर्फ आपको ये चेक करना था कि क्या हमने जो आंसर किया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो अब इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, वट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7/-8 टू गेट -13/12। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लेट कर लेते हैं, लेट वी शुड सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम 7/-8 टू गेट -13/12। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 7/-8, इसके बाद सब्ट्रैक्ट का साइन, और हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, एक्स को। तो एक्स को जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -13/12। अब देखो, माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस एक्स को राइट साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो राइट साइड में जो भी रैशनल नंबर है वो लेफ्ट साइड में जब लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 7/ जो -8 है उसको हम ऊपर लिख सकते हैं -7/8, और ये माइनस का जो 13/12 है, ये जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/12। तो अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, फिर 24 को 12 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आएगी 2, 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26 इज इक्वल टू एक्स। तो अब देखो, 26 में से 21 को माइनस करेंगे तो 5/24 इज इक्वल टू एक्स। तो दस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 5/24। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आपको सम गिवन हो और वन नंबर गिवन हो तो आप सब्ट्रैक्ट करके अदर नंबर फाइंड कर सकते हो, और यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना होगा। याद रखना, माइनस एक्स है तो जब ये उस तरफ जाएगा राइट साइड में तो प्लस हो जाएगा, और जो माइनस राइट साइड में है वो इधर शिफ्ट करेंगे तो भी साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। थैंक यू।
स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। ये लास्ट थ्री क्वेश्चन ही रहते हैं इसके। तो 13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट 1/2। तो आपको ये बताना है कि इस नंबर में से हमें किसे सब्ट्रैक्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, 1/2। तो बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपने क्या लिखना है, लेट वी शुड बी सब्ट्रैक्टेड एक्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5 सब्ट्रैक्ट एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो ये रूल मैंने आपको बता रखा है, हमें वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है और एक्स देखिए क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एक्स उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो राइट साइड में वैल्यू है उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा देखिए 3/4 प्लस 1/3 प्लस 2/5। ये प्लस का 1/2 इधर आके माइनस 1/2 हो जाएगा। अब एक काम कर सकते हो आप, या तो पहले इसको सोल्व करके बाद में भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, या फिर इन चारों का आप इकट्ठा भी एलसीएम ले सकते हो। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, देखो 4, 3, 5, 2 इसका जो एलसीएम होगा वो आप यहाँ पे करके देख सकते हो, मे बी 60 होगा। 4, 3, 5, 2 टू पे करेंगे इसको डिवाइड, तो ये 2, 3, 5, 1 अब यहीं से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5, 3 ज़ा 15, 15, 2 ज़ा 30, 30, 2 ज़ा 60। तो 60 इसका एलसीएम है, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा यहाँ 20, तो 20 बन जाए 20। फिर प्लस 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, माइनस 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 इज इक्वल टू एक्स। तो अब देखो 45 में 20 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 65। यहाँ कर रहे हैं देखो 65 प्लस फिर 24 और 24 माइनस 30 अपॉन में 60। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 5 प्लस 4 देखिए किसके इक्वल हो जाएगा 9 और 6 प्लस 2 8, तो 89 माइनस 30 अपॉन 60, तो 89 में से 30 को माइनस करेंगे जब क्या आएगा देखो 9 और 5 अपॉन 60। तो ये हमारे x की जो वैल्यू आएगी तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 59 अपॉन 60। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो होगा 59 अपॉन 60। तो आपको बिल्कुल भी कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सबसे पहले आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर इन चारों का इकट्ठा एलसीएम लेके भी इस मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। 14 की स्टेटमेंट, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आपको टिक लगाने हैं और टिक लगाने से पहले आपको सोल्व भी करके देखना होगा कि ये कैसे किस टाइप में होगा इसका सॉल्यूशन। इसके लिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/16 टू गेट दिस। तो वही सेम रूल रहेगा, लेट वी शुड एड एक्स, तो -5/16 में आप एक्स को ऐड कर दो, पहले सब्ट्रैक्ट करते थे अब ऐड करने के लिए पूछ रखे, तो क्या रिजल्ट आएगा 7/24। तो अब देखो इस एक्स को वहां पे शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो एक्स था पहले वाले क्वेश्चन में माइनस था, तो इसलिए इस माइनस को वहां ले जाके हम प्लस करते थे, पर यहाँ पे ऑलरेडी एक्स प्लस में ही गिवन है तो आप -5/16 को वहां शिफ्ट कर दो राइट साइड में। तो पहले देखो राइट साइड में क्या गिवन है, 7/24, ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा 5/16। तो अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा, तो 48 को 24 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 प्लस 48 को 16 से डिवाइड कर दोगे 3 आएगा, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो इस तरह से जो x की वैल्यू है वो देखो ये हो जाएगा 29/48। तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 29/48। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है 15th। अब 15th क्वेश्चन में भी देखिए आप उसको कैसे करोगे, सिंप्लीफाई करके आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसको टिक लगाना है। हम यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है ये, -5/7 प्लस 1/12 प्लस 3/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/3 प्लस 10/7 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/6। इसको आप डायरेक्ट अरेंज भी कर सकते हो, यदि अरेंज करके नहीं करना वैसे डायरेक्ट एलसीएम लेना तो भी कर सकते हो। इसको हम सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं,
वी अरेंज इट, तो देखो माइनस फाइव अपॉन सेवन और प्लस टेन अपॉन सेवन, इनको इकट्ठा कर लेते हैं हम, फिर प्लस में ये देखिए अब यहाँ पे बाकी और कोई एलसीएम सेम नहीं है, तो वन अपॉन ट्वेल्व प्लस थ्री अपॉन फोर माइनस वन अपॉन थ्री और माइनस वन अपॉन सिक्स, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो सेवन होगा, तो माइनस फाइव प्लस टेन और इनका जो एलसीएम होगा वो ट्वेल्व होगा। अब ये एज इट इज आ जाएगा, ट्वेल्व ट्वेल्व को फोर से डिवाइड करेंगे थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, ट्वेल्व को थ्री से डिवाइड करेंगे फोर, फोर वन जा फोर, ट्वेल्व को सिक्स से डिवाइड करेंगे जब तो ये आएगा टू, टू वन जा टू, ये देखिए ट्वेल्व को ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे वन, ट्वेल्व को फोर से डिवाइड करेंगे थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, ट्वेल्व को थ्री से डिवाइड करेंगे फोर, फोर वन जा फोर, ट्वेल्व को सिक्स से डिवाइड करेंगे टू, टू वन जा टू। अभी देखो टेन में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव अपॉन सेवन प्लस, अब देखें नाइन प्लस वन टेन, टेन में से फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे सिक्स, सिक्स में से टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर, तो फोर अपॉन ट्वेल्व, अब ये फोर वन जा फोर और फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो हमारे पास जो आया है वो इधर लिख रहे हैं, देखिए फाइव अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन थ्री। अब ये देखो इसके बाद इसका जो एलसीएम होगा वो ट्वेंटी वन होगा, ट्वेंटी वन को सेवन से डिवाइड करेंगे थ्री, थ्री की फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे फिफ्टीन और प्लस ट्वेंटी वन को थ्री से डिवाइड करेंगे सेवन और सेवन वन जा सेवन, तो ये हमारा आ जाएगा ट्वेंटी टू अपॉन ट्वेंटी वन और इसको उसकी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मिक्स फॉर्म में वन एंड वन बाई ट्वेंटी वन। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उसको आप इसको टिक लगा लेना, एक बार दोबारा देखिए, इसको हम डायरेक्ट इकट्ठा एलसीएम लेके भी कर सकते थे पर हमने इसको अलग अलग कर दिया, इसको और इसको इकट्ठा किया है, इन दोनों का एलसीएम सेवन आएगा, ये एज इट इज टेन में से फाइव को सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव अपॉन सेवन, तो वन अपॉन ट्वेल्व थ्री अपॉन फोर माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई सिक्स को इकट्ठा कर दिया है, इनका एलसीएम ट्वेल्व है, ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ, इसको सोल्व करने के बाद आ गया फोर अपॉन ट्वेल्व, ये कैंसिल होगा तो वन अपॉन थ्री आएगा। अब फाइव अपॉन सेवन और वन बाई थ्री को ऐड करेंगे, एलसीएम ट्वेंटी वन है और सोल्व करने के बाद जो आंसर है वो है ट्वेंटी टू अपॉन ट्वेंटी वन। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज वन भी आज कंप्लीट हो चुकी है, आपने इन वीडियोस को बार बार देखना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है और फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम है तो बता लें। थैंक यू।